तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सेट चैप्टर का एक्सरसाइज 1C। ये एक्सरसाइज RSI अग्रवाल से है और मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन वन है, इफ ए इक्वल टू ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी ई एंड एफ, एंड बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है सी ई जी एंड एच, और सी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए ई एम एंड एन। अब हमको फाइंड क्या करना है, वन नंबर ए यूनियन बी, ये यूनियन का साइन है और ये इंटरसेक्शन का साइन है। ओके, तो हम लोग पहले फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब होता है कि वो सारा एलिमेंट जो ए में भी है, ये भी सेट में है और ये भी सेट में है, ए सेट में भी है और बी सेट में भी होना चाहिए, बट कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस सेट के अंदर आएगा ए और बी का सारा एलिमेंट, मीन्स ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, एंड बी का सारा एलिमेंट मीन्स सी ई जी एच। सी तो सी यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, ई भी पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी एंड एच। तो ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर वन का। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू में, हमारा क्वेश्चन है बी यूनियन सी, मीन्स बी का सारा एलिमेंट, तो इसके अंदर एलिमेंट आ जाएगा सी ई जी एच, सी ई जी एच, एंड सी का एलिमेंट मीन्स ए ई एम एन, ए ई पहले से यहाँ पर है तो यहाँ पर आएगा एम एंड एन। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में ए यूनियन सी हम लोग को फाइंड करना है, तो ए का सारा एलिमेंट और सी का सारा एलिमेंट हम लोग को इसमें लिखना है, मीन्स ए बी सी डी ई एफ, एंड सी का एलिमेंट है ए ई एम एंड एन। तो यहाँ पर ए पहले से लिखा हुआ है, ई पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आएगा ओनली एम एंड एन। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में ए बी इंटरसेक्शन सी करना है, मीन्स बी और सी में जो कॉमन है वो लिखना है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है। तो यहाँ पर जो कॉमन है मीन्स यहाँ पर ई एक एलिमेंट है, यहाँ पर भी ई है जो कि दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर ओनली ई आएगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग फाइव को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फाइव में है सी इंटरसेक्शन ए, तो सी और ए में कौन सा कॉमन आ रहा है, तो सी में ए ई है और यहाँ पर भी ए और ई है, यानी दोनों में जो एलिमेंट है ए एंड ई वो कॉमन है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स में ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए और बी में जो कॉमन दिख रहा है, मीन्स यहाँ पर सी कॉमन दिख रहा है, देन ई कॉमन दिख रहा है, तो ये दोनों एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, मीन्स सी एंड ई, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, बी में एलिमेंट है 4 5 6 7 8, एंड सी में एलिमेंट है 7 8 9 10 11, और डी में एलिमेंट है 11 12 10 11 12 13 और 14। हम लोग को फाइंड करना है ए यूनियन बी, बी यूनियन डी और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग पहला नंबर फाइंड करते हैं ए यूनियन बी, मीन्स यहाँ पर इसका सॉल्यूशन होगा ए और बी में जो भी एलिमेंट है, यानी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, एंड डी में जो एलिमेंट है 4 5 6 7 8, बट यहाँ पर 4 5 पहले से आ गया तो इसको रिपीट नहीं करना है, देन यहाँ पर आएगा 6 7 एंड 8। ओके, ये बस फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। देन क्वेश्चन नंबर टू है बी यूनियन डी हम लोग को फाइंड करना है, तो इसके अंदर एलिमेंट आएगा बी और डी का सारा एलिमेंट, यानी 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8, एंड डी के अंदर जो भी एलिमेंट है यानी 10 11 12 13 14 10 11 12 13 एंड 14, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू का। फिर क्वेश्चन नंबर थ्री है, जो ए यूनियन बी निकालना है, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसका यूनियन निकालना है सी के साथ, मींस ए यूनियन बी में जो भी एलिमेंट आया, जैसे कि हम लोग इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी मींस ए वाला एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 एंड 8। ओके, तो ये आ गया ए यूनियन बी, मींस इसका सॉल्यूशन। फिर हम लोग को इसको करना है यूनियन सी, तो इसका आंसर आएगा, यानी ये सारा एलिमेंट और सी का भी एलिमेंट लिखना, तो पहले ये सारा एलिमेंट हम लोग लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, उसके बाद सी का एलिमेंट लिखेंगे, सी का एलिमेंट है 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर 7 8 पहले से है तो इसको रिपीट नहीं करेंगे, देन 9 10 और 11 को लिख देंगे, तो ये आंसर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी का सेट का आंसर। देन क्वेश्चन नंबर फोर में निकालना हम लोग को ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, देन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करने के बाद उसका यूनियन करना है डी के साथ, तो इसका सॉल्यूशन होगा, तो पहले हम लोग इसका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, मीन्स ए और बी में जो कॉमन है उसको लिखना है,
तो ए और बी में कॉमन है 4 और 5, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 5 है, तो इसका अंदर एलिमेंट आएगा 4 और 5। उसके बाद इसका यूनियन निकालना है डी के साथ, तो इसके अंदर आ जाएगा 4 और 5 तो आएगा ही, साथ में डी का सारा एलिमेंट, डी का सारे एलिमेंट है 10, 11, 10, 11, 12, 13 और 14, तो ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा ए यूनियन सी, मीन्स ए और सी का यूनियन निकालना है, तो चलिए इसका यूनियन निकालते हैं ए और सी का, तो इसका अंदर एलिमेंट आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, then 7, 8, 9, 10 and 11, ये आ गया ए के अंदर और सी के अंदर, मीन्स ए और सी का ये यूनियन आ गया। देन इसका हम लोग को क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है किसके साथ, सी यूनियन डी के साथ, मीन्स सी और डी में जो भी एलिमेंट है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। उसके बाद हम लोग क्या करना है, ये जो दोनों सेट निकला है उसका हम लोग को इंटरसेक्शन फाइंड करना है, मीन्स ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है 7, 8, 9, 10 और 11, तो यहाँ इसके अंदर आएगा 7, 8, 9, 10 और 11, तो ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, मीन्स ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी यूनियन डी का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, If a equal to x such that x belong to natural number, a एक सेट है जिसके अंदर natural number का सेट है, b कैसा सेट है, b भी x से belong करता है जिसमें x जो है वो natural number से belong करता है और x होना चाहिए even, x is a even, then एक c सेट है जिसके अंदर है x such that x belong to natural number and x is odd, means x के अंदर odd number आना चाहिए, then d एक सेट है जिसके अंदर x belong to natural number and x is a prime, means d के अंदर भी natural number आना चाहिए as well as prime number को होना चाहिए। okay? तो हम लोग को फाइंड करना है पहला नंबर ए इंटरसेक्शन बी, मींस ए और बी में क्या कॉमन है, तो ए के अंदर सारा नेचुरल नंबर आ रहा है, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो ए के अंदर सारा नेचुरल नंबर मींस 1, 2, 3, 4, 5 ये सब आएगा ए के अंदर, देन बी के अंदर आएगा इवन नंबर यानी 2, 4, 6, 8, 10 ये सब आएगा बी के अंदर, तो दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, तो दोनों में कॉमन आएगा 2, 4, 6, 8, 10, ……, यानी ये हो जाएगा सेट ऑफ इवन नंबर, जिसको हम लोग ऐसे भी सकते हैं x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज इवन। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है a इंटरसेक्शन c फाइंड करना, मींस a के अंदर a और c के अंदर जो भी एलिमेंट है उसको कॉमन, तो a के अंदर है सारा नेचुरल नंबर एंड c के अंदर क्या एलिमेंट है, c के अंदर सारा ऑड नंबर है, तो नेचुरल भी होना चाहिए और ऑड भी होना चाहिए, तो वो सारा नंबर क्या होगा, ऑड नंबर ही होगा, मींस 1, 3, 5, 7, 9, ……, ये सारा ऑड नंबर का ही सेट होगा, देन इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x such that x belong to natural number and x is odd, x is odd, okay? तो ये क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन d, तो a और d में जो कॉमन है वो हम लोग को लिखना है, a के अंदर हमेशा क्या है नेचुरल नंबर है, देन d के अंदर है नेचुरल नंबर भी है और प्राइम भी है, तो नेचुरल भी होना चाहिए प्राइम भी होना चाहिए, मींस वो ओनली प्राइम होगा, मींस दोनों में क्या कॉमन आएगा, ओनली प्राइम नंबर। ओके, तो प्राइम नंबर होगा 2, 3, 5, 7, 11, ……, ओके, तो ये होगा प्राइम नंबर, देन इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x such that x belong to natural number and x is prime, x is prime, ओके, तो ये कॉमन होगा a और d के अंदर का एलिमेंट का कॉमन होगा, मींस प्राइम नंबर। देन क्वेश्चन नंबर 4 है b और c का जो कॉमन है, b और c का इंटरसेक्शन निकालना, मतलब b और c में जो कॉमन है वो हम लोग लिखना है, तो b के अंदर सारा इवन नंबर आ रहा है और c के अंदर आ रहा सारा ऑड नंबर, और इवन नंबर और ऑड नंबर कोई भी कॉमन नहीं होता, मींस अगर 2 इवन है तो 2 ऑड नहीं है, अगर 5 ऑड है तो 5 इवन नहीं है, तो इसमें कोई सा भी नंबर कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि एक नंबर इवन है और एक नंबर ऑड है, तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, मींस इसके अंदर खाली होगा या फिर 5 होगा, ये हम लोग खाली को ब्लैंक सेट को ऐसे भी दिखा सकते हैं या फिर हम लोग 5 भी लिख सकते हैं। देन इसको हम लोग देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हम लोग को फाइंड करना है b इंटरसेक्शन d, और b और d में हम लोग कौन फाइंड करना है, तो b के अंदर सारा इवन नंबर आ रहा है, b x इज अ इवन नंबर, और d के अंदर सारा क्या आ रहा है, प्राइम नंबर आ रहा है, और इवन और प्राइम नंबर के बीच में अगर कोई कॉमन फाइंड करे, तो इवन नंबर स्टार्ट होता है 2, 4, 6 ये सब,
और प्राइम नंबर स्टार्ट होता है टू से, टू थ्री, यहाँ पर हमने प्राइम नंबर लिखा है टू थ्री फाइव सेवन इलेवन, ओके। तो दोनों में कॉमन बस एक ही नंबर आ रहा है, वो है क्या, टू आ रहा है। तो बी के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा टू, ओके। क्वेश्चन नंबर फाइव का सॉल्यूशन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स है सी और डी का, जो हम लोग को इंटरसेक्शन फाइंड करना, सी और डी में क्या कॉमन है। तो सी में आ रहा सारा ऑड नंबर एंड डी में आ रहा सारा प्राइम नंबर, तो इसके अंदर एलिमेंट आएगा थ्री, क्योंकि थ्री ऑड नंबर भी है और प्राइम भी है। उसके बाद आएगा फाइव, ये ऑड भी है प्राइम भी है, फिर सेवन, फिर नाइन, बट यहाँ पर अगर नाइन लिखेंगे तो नाइन ऑड तो है बट प्राइम नहीं है, तो यहाँ पर ओनली प्राइम नंबर ही आएगा क्योंकि प्राइम नंबर ऑड भी है, ओके। तो यहाँ पर सारा प्राइम नंबर आ जाएगा, नाइन नाइन नहीं आएगा, इलेवन थर्टीन फिर सेवनटीन, ये सब सारा नंबर आ जाएगा, ओके। बट यहाँ पर टू नहीं आएगा क्योंकि टू प्राइम नंबर तो है बट टू जो है वो ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है, इसलिए यहाँ पर टू नहीं आएगा। थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सेवनटीन और ये इन्फिनिट तक जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन है इफ ए इक्वल टू टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व एंड बी इक्वल टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड टेन, तो उनको फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है ए माइनस बी, और यहाँ पर माइनस का मतलब क्या होता है, मीन्स ए का सारा एलिमेंट को हम लोग को लिखना है बट उसके अंदर बी का एलिमेंट नहीं आना चाहिए, यानी बी का एलिमेंट को माइनस कर देना है, ठीक है। मीन्स ए के अंदर अगर टू फोर आ रहा है और बी के अंदर फोर आ रहा है, तो जो ए के अंदर का जो फोर है उसको हम लोग को माइनस कर देना है, वो नहीं लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, ए का सारा एलिमेंट लिखेंगे बट ध्यान रखना है कि बी का एलिमेंट उसमें नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर टू लिख सकते हैं क्योंकि टू ए में है बट बी में नहीं है। देन यहाँ पर फोर है बट बी में भी फोर है, तो फोर को हम लोग नहीं लिखेंगे। देन यहाँ पर सिक्स है और बी में भी सिक्स है, तो सिक्स को भी हम लोग नहीं लिखेंगे। देन यहाँ पर एट है, बी में भी एट है, तो एट को भी नहीं लिखेंगे। देन यहाँ पर टेन है और बी में भी टेन है, तो इसको भी हम लोग नहीं लिखेंगे। देन लास्ट यहाँ पर ट्वेल्व है और बी में ट्वेल्व नहीं है, तो यहाँ पर ट्वेल्व आ जाएगा, ओके। मीन्स यहाँ पर ए का सारा एलिमेंट लिखे हम लोग और जो कि बी में बी का एलिमेंट वो नहीं होना चाहिए, ओके। देन हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे कि बी माइनस ए करना है, मीन्स अब बी का सारा एलिमेंट लिखना है और जिसमें ए का एलिमेंट कोई भी नहीं आना चाहिए। मीन्स यहाँ पर थ्री लिख सकते हैं बिकॉज थ्री जो है ए में नहीं है, फोर नहीं लिख सकते हैं, फाइव जो है वो बी में है बट ए में नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं। देन सिक्स को नहीं लिख सकते हैं, सेवन को ले सकते हैं बिकॉज सेवन जो है ए में नहीं है। देन एट को हम लोग लिख सकते हैं, एट को भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो जो है एट में है। देन एट को भी हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो ए के सेट में है। देन फाइनली लास्ट में है टेन और वो टेन भी ए के अंदर है, इसलिए हम लोग टेन को भी नहीं लिखेंगे। ये सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर टू का। देन क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा है ए माइनस बी यूनियन ए बी माइनस ए, ओके। तो दोनों का हम लोग को यूनियन लिखना है, तो इसको हम लोग सिंपली वे में भी लिख सकते हैं बिकॉज हम लोग ए माइनस बी निकाल चुके हैं और बी माइनस ए निकाल चुके हैं, और ये दोनों का अगर यूनियन करना है तो ये दोनों को लिख देंगे, मीन्स टू देन ट्वेल्व, तो ट्वेल्व को हम लोग बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद थ्री लिखेंगे, देन फाइव लिखेंगे, देन सेवन लिखेंगे और देन ट्वेल्व। तो ये एलिमेंट हो गया ए माइनस बी का और बी माइनस ए दोनों का, मीन्स इसका यूनियन, ओके। तो क्वेश्चन सेवन है इफ ए इक्वल टू ए बी सी डी ई एंड बी सेट के अंदर एलिमेंट है ए सी ई जी एंड सी सेट के अंदर एलिमेंट है बी ई एफ एंड जी, तो हम लोग फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ओके। चलिए हम लोग इसको फाइंड करते हैं, पहले हम लोग फाइंड करना है बी माइनस सी, तो ए के अंदर जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग लिख देंगे, मीन्स ए बी सी डी एंड ई, ये ए के अंदर सारा एलिमेंट लिख दिया है। देन यहाँ पर इंटरसेक्शन करेंगे बी माइनस सी, और बी माइनस सी क्या होगा, मीन्स बी का एलिमेंट लिखना है जिसमें सी का एलिमेंट एक में नहीं होना चाहिए। मीन्स यहाँ पर लिख सकते हैं ए देन सी, ई और जी को नहीं लिखेंगे क्योंकि ई और जी जो है वो सी के अंदर है, तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। देन इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हम लोग निकालना है दोनों का, तो दोनों का जो भी कॉमन एलिमेंट है उसको लिखना है, मीन्स ए सी इसमें भी है और ए सी इसमें भी है, तो इसका आंसर होगा ए एंड सी, ओके। देन क्वेश्चन नंबर टू हम लोग को फाइंड करना है ए माइनस बी यूनियन सी, तो पहले हम लोग को क्या करना है, ए का एलिमेंट को लिख देना है, देन ए बी सी डी एंड ई, देन क्या करना है माइनस बी यूनियन सी, और बी और सी का अंदर जो भी एलिमेंट है वो लिखना है बी और सी, बी एंड सी, तो इसके अंदर एलिमेंट आएगा ए सी ई एंड जी, ए सी ई जी एंड सी के अंदर एलिमेंट है बी ई एफ जी, तो यहाँ पर लिखेंगे बी ई पहले से है, देन एफ और जी पहले से है, इसको नहीं लिखेंगे। देन हम लोग को फाइंड करना है इसका ये सेट माइनस ये सेट, तो इसमें से अगर इसको माइनस करना है यानी इसका सारा एलिमेंट लिखना है बट ये वाला एलिमेंट नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मीन्स यहाँ पर ए नहीं लिख सकते क्योंकि ए इसके अंदर है, बी इसके अंदर है, सी इसके अंदर है, डी डी यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर इसका अंदर आएगा डी, ओके। देन यहाँ पर ई, तो ई भी इसके अंदर है इसलिए ई को भी हम लोग नहीं लिखेंगे, ओनली यहाँ पर डी ही आ जाएगा इस सेट के अंदर।
बिकॉज डी सेट के अंदर है बट इस वाले सेट के अंदर नहीं है. ओके, देन क्वेश्चन नंबर थ्री हो जाएगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी. तो ए के सारा एलिमेंट लिखेगा, लिखेंगे ए बी सी डी एंड ई. उसके बाद हमको माइनस करना है बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी में जो कॉमन है उसको. बी और सी में क्या कॉमन है, तो इसमें कॉमन है ई, यहाँ पर भी ई है एंड जी, यहाँ पर भी जी है. तो यहाँ पर ओनली दो एलिमेंट कॉमन है ई एंड जी. अब उसका फाइनल आंसर हम लोग को लिखना है, मीन्स इस सेट का सारा एलिमेंट को लिखना है बट यहाँ पर ई और जी नहीं होना चाहिए, मीन्स ए और जी नहीं, जी यहाँ पर तो है ही नहीं, तो ये वाला ई नहीं होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पर एलिमेंट आ जाएगा ए बी सी एंड डी, यहाँ जाएगा ए बी सी एंड डी. तो ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थ्री का. तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं. क्वेश्चन है कि ए एक सेट जिसके अंदर एलिमेंट है 2, 3, 5, 7 एंड 11 एंड बी सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, मीन्स 5 है. ओके, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी, मीन्स ए और बी के अंदर का सारा एलिमेंट को हम लोग को इसमें लिखना है. तो इसके अंदर एलिमेंट आ जाएगा 2, 3, 5, 7 एंड 11. यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसके अंदर बी का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा. ओके, देन इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हम लोग को फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी. तो एक और इसमें इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ले सकते हैं, 2, 3, 5, 7 और 11 जो है वो ए सेट ही है, तो इसको हम लोग ओनली ए भी लिख सकते हैं. ओके, फिर हम लोग को फाइंड करना है ए और बी में जो कॉमन है, मीन्स ए और बी का इंटरसेक्शन. तो हम लोग को देखेंगे ये कि ए और बी में कोई भी एलिमेंट यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा है, और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता है मीन्स उसका जो कॉमन होता है वो 5 होता है. तो इसका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो ये होगा 5. और जो 5 है वो बी के अंदर है, मीन्स बी के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, मीन्स 5, तो इसको हम लोग बी भी ले सकते हैं. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग को फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड ए माइनस बी. क्वेश्चन दिया हुआ है ए जो है वो बी का सबसेट है. सबसेट का मतलब होता है मीन्स अगर बी के अंदर कुछ भी एलिमेंट है, लाइक बी के अंदर ये सारा एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, और फिर ए के अंदर भी कुछ एलिमेंट है, मीन्स ए के अंदर मान लीजिए 5 है 4 है, ये सारा ये दोनों एलिमेंट है. इसका मतलब क्या है कि बी के अंदर ए का पूरा एलिमेंट मौजूद है. इसका मतलब होता है कि ए सबसेट है बी का. देन हम लोग को फाइंड करना है ए यूनियन बी, मीन्स ए और बी का सारा एलिमेंट. तो ए और बी का सारा एलिमेंट बोले या फिर बी का सिर्फ एलिमेंट बोले, बात तो बराबर है. तो यहाँ इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ओनली बी, क्योंकि ए और बी का सारा एलिमेंट मीन्स ही बी का पूरा एलिमेंट हो जाएगा ना, क्योंकि बी के अंदर ही ए मौजूद है. देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स ए और बी में क्या कॉमन है, ये दोनों में और ये पूरा में क्या कॉमन है. तो इसमें 5, 4 आ रहा है, ये पूरा में भी 5, 4 आ रहा है, मीन्स 5, 4 क्या है, ए का ही एलिमेंट है, मीन्स ये और ये दोनों सेट में क्या कॉमन आएगा, तो ए का ही एलिमेंट कॉमन आएगा. तो यहाँ पर ओनली आ जाएगा यहाँ पर ए सेट. ओके, देन यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ए माइनस बी, मीन्स ए में से बी को घटा देना है. ये ए सारा सेट है, ये ए में 5, 4 है और बी में सारा है, तो ए में से अगर बी को घटा देंगे तो ये ए का भी कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा 5. और यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं, अगर हम लोग कोई यूनियन निकालना है कोई भी एलिमेंट का और यहाँ पर दिया हुआ ए जो है वो सबसेट है बी का, तो आंसर क्या होगा, बड़ा वाला सेट, ये जो बी है वो बड़ा वाला सेट है. ओके, और अगर हम लोग कोई इंटरसेक्शन निकालना है तो हमेशा इसमें छोटा वाला सेट आएगा, जो कि ये ए है. ए क्या है, छोटा वाला सेट है, इसलिए इसका आंसर होगा ए. और अगर हम लोग को ए माइनस बी करना है, मीन छोटा वाला में से बड़ा वाला माइनस करना है, तो 5 होगा, और बड़ा वाला में से छोटा हम लोग माइनस नहीं कर सकते. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13. इसके अंदर लिखा हुआ है यू एक सेट है, मीन्स यू जो है कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट. इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. और उसके बाद ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, और बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 2, 4, 6, 8. देन सी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 4, 5, 6. उनको फाइंड करना है ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड बी डैश का होल डैश, उसके बाद ए यूनियन बी का होल डैश, फिर बी माइनस सी का होल डैश. तो चलिए फाइंड करते हैं. डैश का मतलब होता है, यहाँ पर जो बी डैश और ए डैश लिखा हुआ, इसका मतलब होता है कि यूनियन में से ए को क्या करना है, हम लोग को घटा देना, मीन्स यूनियन का सारे एलिमेंट लिखना है, इसमें से ए का एलिमेंट नहीं आना चाहिए. तो फर्स्ट का सॉल्यूशन होगा, ए का अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, यानी ये यूनियन का सारा एलिमेंट लिखना है, इसमें ए का एलिमेंट नहीं आना चाहिए. इसको हम लोग एक और तरीका से लिख सकते हैं, यू माइनस ए, यानी इसका यूनिवर्सल सेट में से ए को अगर हम लोग घटा देंगे तो वो इसका आंसर होगा ए डैश. तो इसका आंसर आएगा 1, 2, 3, 4 को नहीं लिखना है, देन 5, 6, 7, 8 एंड 9 इसका आंसर हो जाएगा. ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में है, बी का डैश निकालना है, मीन्स इसको हमें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट से बी को माइनस कर देना है. तो बी का एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, तो यहाँ लिखना है 1, 3, 5, 7 एंड 9. तो इसमें से ऐसा एलिमेंट लिखे है जो कि बी में नहीं है. ओके, यानी यू में है बट बी में नहीं है.
उसके बाद हम लोग को फाइंड करना है सी डैश, मतलब कि हम लोग को इसको निकालना है यूनिवर्सल सेट में से सी को माइनस करके। तो यूनिवर्सल सेट है ये और उसमें से सी को माइनस करेंगे 1, 4, 5, 6 को नहीं लिखेंगे। तो उसके बाद इसमें एलिमेंट आएगा 2, 3, 7, 8 एंड 9। ओके, फिर हम लोग को फाइंड करना है बी डैश का डैश। बी डैश का डैश मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से बी डैश को माइनस करना है, और बी डैश को माइनस करेंगे इसको अगर हम लोग आगे से सॉल्व करेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। इसके बाद अगर हम लोग बी डैश को दोबारा से अगर निकालना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं यू माइनस बी। ओके, यू माइनस बी होता है बी डैश, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो यू माइनस बी ये कट जाएगा, देन आएगा माइनस बी। ओके, और माइनस बी कुछ नहीं होता, वो सिर्फ ओनली बी ही होता है। मीन हम लोग को बी डैश का भी होल डैश अगर निकालना है तो हम लोग को सिंपली उसमें बी का सारा एलिमेंट को लिख देना। तो इसके अंदर क्या एलिमेंट आएगा, बी का सारा एलिमेंट, यानी बी का सारा एलिमेंट यानी 4, 2, 4, 6 एंड 8। यहाँ पर आ जाएगा एलिमेंट 2, 4, 6 एंड 8। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर बी, यानी किसी भी सेट का डबल डैश होगा, यानी इसका डैश का ऑल डैश होगा तो वो पूरा सेट को ही हम लिखेंगे, इसका वैल्यू होता है वो सेट ही। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ए यूनियन बी का ऑल डैश। मीन्स पहले हम लोग को फाइंड करना है ए यूनियन बी, मीन्स ए और बी का सारा एलिमेंट 1, 2, 3, 4 एंड 6 और 8। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 6 एंड 8 और उसका डैश निकालना है। इसका डैश मतलब क्या करना है, हम लोग को U में से इस सारा एलिमेंट को माइनस कर देना है, U में से इस सारा एलिमेंट को यानी 1, 2, 3, 4, 6, 8 को माइनस करना है। तो अगर 1, 2, 3, 4, 6 और 8 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 5, 7 एंड 9। तो यह आंसर आएगा 5, 7 एंड 9। फिर क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 5, 6 देखें तो इसमें हम लोग फाइंड करना है क्या, B माइनस सी। ओके, बी माइनस सी मतलब कि बी का सारा एलिमेंट लिखना है और उसमें से सी को माइनस कर देना है, फिर उसका डैश निकालना है। तो पहले बी माइनस सी निकालते हैं हम लोग, यानी 2, 4, 6, 8 में से हम लोग को ये सारा एलिमेंट माइनस करना है। तो यहाँ से 4 माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी 4 है, देन यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 एंड 8। और इसका होल डैश निकालना है, तो इसका होल डैश मतलब होगा कि यूनिवर्सल सेट पूरा लिखना है जिसमें 2 और 8 नहीं आना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 1, 2 नहीं आना चाहिए, देन 3, 4, 5, 6, 7 एंड यहाँ पर 8 भी नहीं आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 9। ये सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो चलिए हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इफ ए जो है वो प्रॉपर सेट है यूनिवर्सल सेट का, यहाँ पर यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट, तो हमको फाइंड करना है ए यूनियन ए डैश। मीन्स अगर हम एग्जांपल लें यूनिवर्सल सेट का जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड 5 और एक सेट ए का एग्जाम्पल लें जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। ओके, तो हम लोग अगर यहाँ पर फाइंड करेंगे ए यूनियन ए डैश, मीन्स ए और ए डैश का सारा एलिमेंट, यहाँ से हम लोग अगर ए डैश निकालेंगे तो ए डैश का आंसर क्या आएगा, जो कि यूनिवर्सल सेट में यूनिवर्सल सेट का सारा एलिमेंट लिखेंगे जिसमें ए नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर आंसर आएगा 4 एंड 5। तो ए डैश का वैल्यू होगा 4 एंड 5। अब ये दोनों का हम लोग को यूनियन निकालना है, यहाँ पर यूनियन दिया तो यूनियन निकालना है, तो यूनियन क्या होगा 1, 2, 3, 4 और 5 और इसका मतलब ये क्या है यूनिवर्सल सेट, तो इसका आंसर सीधे क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट यानी यू, हम लोग इसको यू लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद ये कैपिटल यू है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे जिसमें हम लोग निकालना है ए इंटरसेक्शन ए डैश। मीन्स अगर हम लोग को ए और ए डैश यहाँ पर निकाल चुके हैं तो इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इसमें दोनों में कॉमन आ ही नहीं सकता है क्योंकि ये ए डैश है और ये ए है, तो दोनों में कॉमन आ ही नहीं सकता, यानी इसका मतलब यहाँ पर क्या आंसर आएगा 5, यानी कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में है 5 डैश इंटरसेक्शन ए। अगर हम लोग 5 डैश निकालेंगे, 5 डैश मतलब होता है यू में से 5 को माइनस कर देना, यानी यू में से कोई भी एलिमेंट को माइनस नहीं करना, 5 मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं, यानी इसका मतलब ही हो जाता है यू, 5 डैश का मतलब क्या होता है यू। ओके, तो 5 डैश और हम लोग इंटरसेक्शन करना है ए का, यानी यू यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन करना है, मीन्स यूनिवर्सल सेट और ए में क्या कॉमन आ रहा है, 5 डैश का मतलब यूनिवर्सल सेट और यहाँ पर ए, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा 1, 2, 3 ही कॉमन आएगा, इसमें भी 1, 2, 3 और इसमें भी 1, 2, 3 और 1, 2, 3 है क्या, 1, 2, 3 सेट ए ही है, यानी इसका आंसर क्या आएगा सेट ए, यानी 5 डैश इंटरसेक्शन ए का आंसर होगा ए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, हम लोग को यूनिवर्सल सेट का डैश करके उसका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। यूनिवर्सल सेट का डैश करेंगे मतलब कि यूनिवर्सल सेट का डैश मतलब 5, बिकॉज यहाँ 5 का डैश अगर यू आएगा तो यूनिवर्सल सेट का डैश क्या होगा 5, मतलब यू का एलिमेंट सारा लिखो लेकिन यू नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी एलिमेंट नहीं,
यानी इसका मतलब होगा फाई। अब फाई का इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, फाई और ए में क्या कॉमन है, तो फाई ए में क्या कॉमन होगा, फाई में कोई एलिमेंट है ही नहीं, और ए में मान लो कुछ भी एलिमेंट होगा तो कॉमन आएगा ही नहीं, मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, तो इसका अंदर आंसर होगा फाई। ओके, ये क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का ये सॉल्यूशन होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।